ये पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जमा हो रहे हैं। आपको पता होगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री निर्मला सीतारमन जी ने ऐलान किया था, अलॉन्ग विद पावर मिनिस्टर श्री आर के सिंह जी ने, कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज और सारे यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री को पावर प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो हमारा इस वक्त यहाँ पे जमा होना, ये हमने आज क्लियर कट मैसेज ये देनी है कि पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी आर वेहेमेंटली अपोजिंग द अमेंडमेंट्स ऑफ द बिल जो ये पार्लियामेंट में ले रहे हैं, इलेक्ट्री एक्ट को अमेंड कर रहे हैं और जो ये प्राइवेटाइजेशन यूनियन टेरिटरीज को कर रहे हैं, हम बिल्कुल इसके खिलाफ है। आपको पता होगा कि पीडीडी को अनबंडल किया गया था खाली 6 महीने पहले, कॉर्पोरेशन बनाया गया था और तब हमारे साथ एक अकार्ड किया गया था कि हम ऐसा चीज प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड जे एंड के गवर्नमेंट ने हमें मिनट्स में दे के रखा था। अगर आप कंपेयर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को बाकी स्टेट से, जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे कि लॉसेस जो है वो 70% है, एटीएनसी लॉसेस 70% है, जबकि चंडीगढ़ को भी ये करने जा रहे हैं वहां खाली 7% लॉसेस है। यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है जिसको वो प्राइवेटाइज करेंगे, यहाँ किस चीज को प्राइवेटाइज करेंगे? अभी तो यहाँ पे केबलिंग चेंज नहीं हो गई है, अभी तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर आउटडेटेड है 20-20 साल के, अभी तो ग्रिड्स आउटडेटेड है, ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री आर के सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी विच वॉज हेडेड बाई द एनर्जी सेक्रेटरी ऑफ यूपी श्री अलोक कुमार जी, और अलोक कुमार जी आईएएस ऑफिसर ने ये क्लियर कट लिखा था कि जम्मू कश्मीर को फिलहाल प्राइवेटाइज न किया जाए ओइंग टू द कंडीशन दैट देयर शुड बी ए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अनलेस एंड अंटिल प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन, तो तभी किया जाए। दूसरी चीज, जम्मू कश्मीर में कंज्यूमर बेस 23 लाख है, सारे यूटीज को मिलाया जाए तो कोई 6 लाख भी वो नहीं बनते हैं, तो ये हाल है। नंबर थर्ड, जियोग्राफिकल कंडीशंस, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर इज हिली टेरेन एंड मोर इंपॉर्टेंटली वी आर पासिंग थ्रू द टफेस्ट फेज, हमें यहाँ पे हालात भी ठीक नहीं होते हैं, तो इन कंडीशंस को मद्देनजर रखे हुए प्राइवेटाइजेशन जम्मू कश्मीर में न किया जाए, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के से ये है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन न किया जाए और पूरे कंट्री में भी न किया जाए। उसका भी एक हम रीजन दे देंगे कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एक ऐसी यूनियन है जिसके तले पूरे इंडिया के यूनियन काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया के इलेक्ट्री एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स, उन लोगों ने एक प्रोग्राम दे दिया हुआ है जिसका हम साथ दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं कि 1 जून को इलेक्ट्री एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स दफ्तर जाएंगे, ब्लैक बैजेस लेके जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे कि नहीं जी ये मत करो आप। और बदकिस्मती क्या है कि इस इलेक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट को आज तक 4-5 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री थॉटेड देयर अटेम्प्ट, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन द इंजीनियर्स एंड द एम्प्लॉयज एंड द होल पब्लिक ऑफ द इंडिया आर पासिंग थ्रू ए टफेस्ट फेज ओइंग टू कोविड 19 में जब हमें एक कोरोना वॉरियर के नाम से जाना जाता है, हम क्वारंटीन सेंटर चलाते हैं, हम वो हॉस्पिटल चलाते हैं जिसमें कोविड पेशेंटों को ट्रीट किया जा रहा है, इन हालात में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इन हालात में हमें इस सिस्टम में नहीं डालना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोविड 19 की अपॉर्चुनिटी लेके प्राइवेटाइजेशन नहीं करनी चाहिए। हमारी जीसी गिरीश चंद्र मुर्मू जी से भी यही अपील है, जो जिसको आप पावर सेक्टर पता चल चुका है, स्टेट के हालात पता चल चुका है, कि प्लीज राइट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट दिस की प्राइवेटाइज अबाउट द इश्यू की प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में।